गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो या व्लॉग लेकर आई हूँ, ये एक छोटी सी हमारी ट्रिप है जो बहुत ही मेमोरेबल बनाने की कोशिश की गई है। मेरी ख़राब तबीयत के बावजूद मुझे एक सरप्राइज़ ट्रिप पर लेके गए थे उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा। मुझे बस ऑर्डर मिला था कि आप फटाफट रेडी हो जाइए, हम थोड़ा पास में ही कहीं जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं जो बोलती हूँ कि मुझे इस तरह के रास्तों पे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। उत्कर्ष ने कोशिश की थी कि मम्मा की तबीयत ख़राब है तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं उनको घुमा के लेके आता हूँ। और दिन का समय है, धूप बिल्कुल ठंडी ठंडी सी है, हवा में इतनी ठंडक है कि मैं एकदम कांप रही हूँ बुरी तरह, इतनी ठंडी लग रही है मुझे। और अगर मुझे पहले से बताया जाता कि ऐसे हम कहीं जा रहे हैं जहाँ जंगल ही जंगल है, तो शायद मैं वैसे कपड़े पहन के गई होती। मैं एकदम पतला सा कुर्ता डाल कर गई हूँ और मैं बहुत बुरी तरह कांप रही हूँ। एक स्टॉल था मेरे पास, उससे मैंने अपने कान ढक लिए क्योंकि कान से और पैरों से मुझे बहुत ठंडक लगती है। और रास्ते में बार बार उत्कर्ष का एक ही सवाल था कि मम्मा आप इंजॉय कर रहे हो, मम्मा आपको अच्छा लग रहा है, मम्मा आपको मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा। और मैं अंदर ही ये सोच रही थी कि बेटा तुम्हें आज का ही दिन मिला था ये सरप्राइज़ देने का। नहाने के बाद अपने गीले बालों में मैं ऐसी ठंडी हवा में आई हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन जो भी हो, रास्ता तो वाकई में बहुत सुंदर था। आसपास एकदम ग्रीनरी जैसा मैं देखना चाहती हूँ, साफ़ सुथरा रास्ता, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, मुझे ये सब वैसे भी बहुत पसंद आता है। और ऊपर से सूरज भगवान पता नहीं क्यों नाराज़ थे। तो यहाँ पे जबलपुर में एक त्रिपुर सुंदरी करके मंदिर है, वो थोड़ा जंगल खेड़े में पड़ता है, तो ये उसी के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं त्रिपुर सुंदरी। और यहाँ पे ना घाटियों में रास्ता बना हुआ है, इसलिए उसमें बाइक राइडिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं इससे पहले जब भी कभी आई हूँ फोर व्हीलर से आई हूँ, बट फोर व्हीलर में वो मज़ा नहीं आता है जो आपको बाइक से अंदर जाने में मज़ा आता है। और यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा कम था, मैं और ज़्यादा कांपने लगी थी, इतना मुझे ठंडा लग रहा था। लेकिन फिर भी उत्कर्ष को यही था कि मैं आप प्लीज़ गाड़ी कहीं किनारे खड़ा कर दीजिए, मैं दौड़ना चाहता हूँ ऐसी घाटियों में, ऐसे रास्तों में। और बीच बीच में लोगों के घर भी यहाँ काफ़ी बन गए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ का माहौल था, ऐसा सुनसान डरावना सा नहीं था जो मैं पहले कभी आई हूँ। काफ़ी सुनसान एरिया पड़ता है ये, और यहाँ पे वही लेपर्ड वगैरह जो यहाँ पे कॉमनली इस तरह के एरिया में मिल जाते हैं वो होते ही होते हैं। सो उसे प्रॉमिस हम लोगों ने किया कि ठीक है, लौटते टाइम में हम लोग जंगल वाले रास्ते से आएंगे, तो आप वहाँ पे घूम लेना। यहाँ पे दो तरह के रास्ते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जंगल का रास्ता भी है, थोड़ा सा डरावना है, लेकिन दिन के टाइम में ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। लोगों की चहल पहल होने के कारण एनिमल्स दूर ही रहते हैं। मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और बहुत बुरी हालत हो रही थी, लेकिन फिर भी सरप्राइज़ था भाई, सरप्राइज़ में तो कुछ भी हो सकता है। कैमरा भी काफ़ी हिल रहा है और मैं इतनी ही, जितना कैमरा हिल रहा है उतनी ही मैं कांप रही थी इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई सच्ची में बोले थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़ी गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर इन लोगों ने मुझे बताया होता तो मैं थर्मस में भर के ले आती, क्योंकि बाहर का तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। ये अंदर है ये मंदिर, और मंदिर में फटाफट हम लोग पूजा कराए। भीड़ पता नहीं क्यों यहाँ पे थी, यूजुअली नवरात्रि के टाइम पे ही होनी चाहिए, बट अभी भी है। मैं तब तक आप लोगों को कैमरा घुमा के ये जंगल वाला रास्ता दिखाती हूँ कितना सघन है। और इसी तरह का बारिश के बाद का माहौल है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही देखने को मिलेगा। हम लौटकर ऐसे ही रास्ते से जाएंगे, इसमें भी कहीं कहीं आपको पक्की सड़क मिलेगी, कहीं कहीं कच्ची सड़क मिलेगी, और कहीं कहीं गांव के लोग भी मिल जाएंगे जो बकरियों को चराने आते हैं या गायों को चराने आते हैं, वो लोग इस टाइम पे यहाँ पे होते हैं, तो सेफ़ है। लौटते टाइम जैसा प्रॉमिस किया है उत्कर्ष को, हम लोगों ने छोड़ दिया है, और वहीं से उत्कर्ष के पापा गाड़ी टर्न कर लेंगे और थोड़ा सा वो दौड़ लेगा। उसको दौड़ने का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं क्या ही बोलूँ, स्कूल से हमेशा कंप्लेंट आती है। तो वो गिर जाता है दौड़ते दौड़ते, आंख बंद करके दौड़ता है, अभी भी देखिए सड़क छोड़ के कूड़े में दौड़ रहा है लड़का। और फिर उसके पापा जो है यहाँ ढलान पे से नीचे अंदर खेत की तरफ ले आए हैं, और यहाँ पे वो उत्कर्ष को दौड़ाएंगे। गिरना नहीं, जाओ 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 जाओ, दौड़ो दौड़ो क्यों मुंह के बल गिर रही हो मती?
देखो लकड़ बग्गा हो सकता है। जाओ दौड़ो भाई, कैसे चीकू यार ये। एडवेंचरस। दौड़ो चीकू। लो यहाँ तो लोग नहा रहे हैं नाले में। चले वापस हम। चलो वापस चलते हैं, ठीक है यहाँ से। हाँ यहाँ से टर्न। आगे भी सर जंगल ही जंगल, जंगल कोई गांव है। जाओ। चीकू रात में हम तुम्हारे पैर नहीं दबाएंगे बेटा। अरे बाप रे। यू डरावना। ये बांस का पेड़ है बेटा, बैम्बू। ये बैम्बू पेड़ है पूरा। चीकू तुम थक गए हो पूरी तरह बेटा। चलो चीकू बैठ जाओ, आ जाओ। आ जाओ अब। एक धुरंधर योद्धा जो है वो बुरी तरह थक गया, उसे चला भी नहीं जा रहा है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे 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 चीकू नहीं करो, मम्मा नहीं दबाएगी तुम्हारे पर। हाय 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 हाय, इसलिए रात भर छटपट आता है हमारे पास। माँ जैसा ख्याल रखती है वैसा कोई नहीं रख सकता। चलो चक्कर में पापा हमें भी छोड़ गए। गर्मी लगने लगी। आओ बेटे आओ, आ जाओ योद्धा। बेटा हमने हमेशा बोला है ना, अपनी सारी एनर्जी एक साथ नहीं वेस्ट करते हैं। अभी तुमको ये घटिया भी चढ़ना है। ये पापा छोड़ के जाए। थक गए, गोदी ले ले। तुम्हारे हाथ एकदम ठंडे हैं बेटा। हाथ तू एकदम ठंडे राजा बेटा। ये क्या तुम कूड़े कचरे में लेके आयो बेटू? हाँ इतनी प्यारी प्यारी सड़क है, तुम जंगल खूटे में लेके आयो। तुम्हें मालूम यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं। अभी तुमको गोट तो दिखी है ना, और वो देखो वहाँ पे गाय भी है। तो यहाँ पे लकड़ बग्गे और क्या क्या वो भी हो सकते हैं। लोग रुक रुक के पूछ रहे हैं कि अंदर कुछ घूमने लायक है क्या भैया। उनको नहीं मालूम हम लोग पागल टाइप के हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं। पापा का पट से मोबाइल निकल जाता है। चीकू आप बस करो, चीकू बस बेटा पक्का। हम तुम्हारी पैर वैर नहीं दबाएंगे, तो तुम्हारी क्लास भी है। बैठ जाओ। अब कहाँ चलना है? घर। अब बरेला। है बरेला यहाँ से और दूर है बेटा, बहुत दूर है। बरेला बरेला नहीं जाएंगे। यहाँ से पास कौन सा है? घर कुछ नहीं है। यहाँ से पास घर है। कहाँ? बरेला कहाँ बेटा? बरेला बहुत दूर है यहाँ से। सो उत्कर्ष की हरकतें देख के तो नहीं लग रहा था कि वो मुझे सरप्राइज देने के लिए लाया था। ऐसा लग रहा था कि उसका दौड़ने का मन था और वो हम लोगों को बस उठा के ले आया कि बस चलिए। और ये कुछ नया सा बना था अंजनी धाम, किसी ने हम लोगों को बोला आए हो तो बेटा दर्शन करते जाना, तो हम इस तरफ में मुड़ गए। और वही है जहाँ पे भी एरिया होता है, लोग मंदिर वगैरह बना के अच्छा व्यवस्थाएँ कर देते हैं, थोड़ा गार्डन जैसा हो जाता है। तो कुछ मुझे ऐसा ही लगा और यहीं पर दर्शन करके अब हम घर को वापस जा रहे हैं। और लौटते समय हल्की हल्की धूप हो गई थी तो अच्छा लग रहा था। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।